प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। मेरा नाम मैं विपिन कुमार चौधरी जी, आशा संस्था से अलो छियो। हमरा नाम प्रमोद कुमार महतो, हमरा घर सहारावले और के नगर प्रखंड का रहवला बजे। की करे छो बाबा? गेहूं के बीज के उपचार कर रहल छियो। कथिल करे छो? गेहूं के बीज के उपचार येल करे छे कि ओकरो जन्मेशन आराम से तुरंत भए जा, ओकर बाद में मिट्टी में नाना तरह के कीड़ा भए गेल छे। उ कीड़ा ना पौधा के नहीं रह दे छे ठीक, कोनो गाछ पीला भए गेल, कोनो सूखना बीमारी भए गेल, ककरो में कुछ भए गेल, तो ओकरे बचे खातिर ले ई उपचार करी के देला के बाद में पौधा स्वस्थ रहे छे, उपज ज्यादा होय छे, यही लेली बीज उपचार करे छे। केना उपचार कर लो? बीज उपचार अखनी करबे और देखी लियो केना करे छे, प्रैक्टिकली देखी लियो, ओना मुहा से बतेला से हेते जना करबे अखनी समक्ष तोरा सम्मान कर। बीज उपचार में बाबा की आवश्यकता पड़ले सामान के? गेहूं बीज उपचार करे ले सूक्ष्म गर्म पानी के जरूरत पड़े छे। दो किलो गेहूं का बीज है, इसमें 800 ml गौमूत्र डालना पड़ता है और 800 ग्राम गुड़ मिलाया जाता है, 1 किलो बर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है। दो किलो गेहूं बीज में 12 ग्राम टाइकोडर्मा नाम का दवाई मिलाया जाता है और 10 ग्राम PSM मिलाया जाता है और 10 ग्राम एजेक्टोवेक्टर मिलाया जाता है। इतना सामान का बीज उपचार में ये सब सामान की आवश्यकता कहने पड़ले कथिल कर लो? बीज उपचार में ये ली सामान का जरूरत पड़ले कि ठंड का मौसम लेकर बीज सुप्तावस्था में रहे छे और ए लेली ओकरा जागृत करे वास्ते ओकरा सूक्ष्म गर्म पानी की जरूरत पड़े छे। सूक्ष्म गर्म पानी में डाललाक बाद बीज में जागृता अवस्था आबि जाए छे, ओकर बाद ओहिमे गौमूत्र येल मिलेलो जाए छे कि गौमूत्र में नाइट्रोजन पैलो जाए छे और नाइट्रोजन से हमरा पौधा जे हेते स्वस्थ और बढ़िया निकलते। ओकर बाद ओहिमे गुड़ येल मिलाबे छिए कि गुड़ में ग्लूकोज पैलो जाए छे जैसे हमरा पौधा ग्लेजिंग और सब चीज में सहायक बनते। ओकर बाद में बर्मी कंपोस्ट येल मिलाबे छिए कि बर्मी कंपोस्ट पोषक तत्व छिके और वह पौधा हमरा स्वस्थ और तंदुरुस्त तगड़ा बना के रखता है, ये लेली बर्मी कंपोस्ट में लो जाए, बर्मी कंपोस्ट में मिलावे छे। 2 किलो बीज में 12 ग्राम टाइकोडर्मा येल इसलिए मिलाया जाता है, येल मिले लाए छे कि फफूंद नाशक जो भी बीमारी छे ओकरा से हमरा फसल के सुरक्षित रखता है। ओकर बाद एजेक्टो वाटर 10 ग्राम 2 किलो बीज में येल मिलाए छे कि एकरा में नाइट्रोजन रहे छे और पौधा के हमरा सुरक्षित और जमीन से नाइट्रोजन टानी को बड़ा देता रहते। ओकर बाद PSM 10 ग्राम येल 2 किलो बीज में मिलाबे छे कि जमीन में जे भी तरह का कीड़ा मकोड़ा होते ओकरा कोई भी तरह का बड़ बीमारी नहीं लगते और स्वस्थ रहते, गाछ हमरा तंदुरुस्त रहते। एक तरह से मनुष्य के जना टीकाकरण पड़े छे वही तरह से फसल का टीकाकरण करे वास्ते ही दिलो जाए छे कि सब जन स्वस्थ रहते। 2 किलो गेहूं का बीज उपचार करने के लिए 4 लीटर इसमें सूक्ष्म गर्म पानी डाल रहे हैं। इसके बाद 1 किलो बर्मी कंपोस्ट डाले, 800 ml गौमूत्र डालना पड़ता है, डाल दिए।
तब इस सब को मिलाना है और मिला करके इसका घोल बना दिया। इस घोल में अब 800 ग्राम गुड़ मिला, 800 ग्राम गुड़ मिला देते हैं। अब इस घोल में हमको हम ये 2 किलो गेहूं का बीज इसमें डाल देते हैं। डाल करके इसको इस तरह से मिलाते हैं कि ताकि इसमें इस गेहूं के बीज में जो फोकी हो या जो कमज़ोर बीज हो वह ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। बीज बहुत बहुत स्वस्थ है और एम कोई कमजोर बीज नहीं है जो कि तैरी को ऊपर रहते, सब बीज अंदर बैठी गले, बीज बहुत स्वस्थ है। ये बीज का अभी 8 घंटा इस घोल में फुलेल छोड़ी दबे। ये बीज का अब 8 घंटा पूरा हो चुका है, अब इसको छान रहे हैं, इस तरह से इसको छान लेते हैं। अब इस बीज को छान कर जूट के बोरा पर पसार देते हैं। अब इस बीज में 12 ग्राम ट्राइकोडर्मा इसमें मिला देते हैं। मिला करके इसको अच्छे से मिला करके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब इस बीज का आधा घंटा दवाई मिलाया हुआ हो गया। अब इसमें एजेक्टोवेटर है में 10 ग्राम मिला दीजिए। मिला करके इसको हाथ से अच्छे से मिला करके ताकि सब बीज में मिल जाए। मिला करके फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट टाइम पूरा होने के बाद अब इसमें PSM मिला देते हैं। क्योंकि हमारे पौधे में किसी भी तरह का कीटनाशक बीमारी होने की संभावना कम रहे। यह दवाई मिलाने से पौधा स्वस्थ रहता है और बीमारी की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसको अच्छे ढंग से मिलाने के बाद तब इसे समेट करके मोड़ करके अंकुरण के लिए 12 घंटा के इसको ऐसे लपेट करके रख देंगे। 12 घंटा के बाद तब इसको खेत में बुआई करेंगे। बीज उपचार के बाद अब
दवाई मिलाने के बाद साबुन से अच्छे तरह से हाथ धो लेते हैं, चूंकि यह विष मिला हुआ है। बड़ा बढ़िया उपचार बतेलो ही तमें अपना घर में खूब बढ़िया से करे पारे छे। अच्छा बाबा ये बताबो उपचार जे कर लो इन कुछ सावधानी भी बरते पड़े छे। हाँ सावधानी तो बरते पड़े छे, जना टाइकोड्रामा भेले, एजेक्टोवेटर भेले आ पीएसएम भेले, ई तीनों बिस्तुल दवाई छिके। ई बिस्तुल दवाई के मिलेला घर में एकरा सावधानी के साथ रखल पड़े छे, बच्चा आर से दूर रखल पड़े छे, और घर का लोग का भी जानकारी होना चाहिए कि बीज तुल छे, एकरा कोई छेड़खानी नहीं करे नहीं छुए। और बीज में मिले लाग बाद बीज का भी सावधानी के साथ ओकरा रखी देना चाहिए, और ओकर बाद में मिले लाग बाद तुरंत साबुन से दो बेर तीन बेर हाथ में साबुन लगा कर बढ़िया ना साफ करके धो लेना चाहिए, कहने की बीज तुल दवाई छिके। अच्छा बाबा किसान का कुछ संदेश भी देना चाहे छो ट्रीटमेंट के। किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि इस विधि से उपचार करके लगाने से पौधा भी स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार का बीमारी लगने की संभावना नहीं रहती है। बाबा बीज उपचार के बारे में जो तुम बतेलो बहुत बढ़िया, एकरा लिए धन्यवाद तोरा। धन्यवाद। राम राम।